मोदी कैबिनेट में शामिल जी किशन रेड्डी का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते रहना है। और दूसरी बार मोदी जी के कैबिनेट में आ रहे हैं, जीत की बधाई हो आपको सबसे पहले। और उसी के साथ साथ जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, दोबारा कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है आपने, किस तरीके से चाय पे कल चर्चा रही मोदी जी के साथ, क्या आगे के निर्देश हैं आप लोगों को, किस तरीके से आगे आप काम करेंगे? एक ही है, जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो, NDO हो, हम मिलकर चुनाव लड़े थे। एक संकल्प पत्र के नाम पर देश के जनता के सामने एक संकल्प लिया है। उस संकल्प के आधार पर हमारे को आशीर्वाद मांगे थे जनता, जनता हमारे को आशीर्वाद दिया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हम आए हैं। हम चुनाव से पहले गठबंधन का NDA के अंदर पूरे पार्टियों से मिल के चुनाव लड़े हैं, नैतिकता आधार पर चुनाव लड़े हैं, कमिटमेंट के साथ चुनाव लड़े हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है। इस 5 साल इस संकल्प पत्र को 100% अमल करने का मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सरकार काम करेगा। सर, अगर बात की जाए, मोदी जी को देखा जाए तो वो लीड फ्रॉम फ्रंट करते हैं। पहला दिन कल शाम को शपथ लिया 7:15 पे, आज सुबह 10:15 पे मोदी जी ऑफिस में थे, पहला फाइल भी साइन कर दिया। आप लोगों को क्या निर्देश है, क्या आप उसी राह पे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं चले तो मोदी जी सहन नहीं करेंगे। उनके टीम जितने भी है वैसी हार्ड वर्क करना चाहिए, एक टीम वर्क के जैसे काम करना चाहिए, मोदी जी का निर्देश था। हम सभी लोगों के सामने एक डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, नैतिकता आधार पर काम करना चाहिए, गरीबों को सेवा करना चाहिए, राजनीति से उठकर काम करना चाहिए और लोगों के सामने एक कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। ऐसा कल चाय पे चर्चा पे नरेंद्र मोदी जी हमारे को मार्गदर्शन किया है। वो बोले 24/7 मैं भी काम करता हूँ, आप वो भी काम करना चाहिए। जो 10 साल काम किया है उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। इस 5 साल में और मेहनत करके देश को विकसित भारत के रास्ते पर हम आगे बढ़ाना चाहिए। उस रास्ते पर एक रोड मैप तैयार करके देश के जनता के सामने लगाएंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन था।